ये पतंगबाजी ही चलती रहती है। लॉकर लॉकर नेम यूट्यूब चैनल। सो आवर ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम शेती टू सारंगकोट नाउ, सो स्टे विथ अस ऑन दिस ट्रैक एंड वील शो यू हाउ इट इज डन। तो अब ट्रैक चालू है, तो अभी चढ़ना है और धूप बहुत ज़्यादा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की धूप इंडिया जैसी है, एकदम तपती तपती, चलना मुश्किल हो जाता है। तो बस अब चढ़ाई करते रहेंगे 2-3 घंटे तक, सफ़र पर बने रही है मेरे साथ और आई विल शो यू अराउंड 3-4 आवर्स की जर्नी है, 3-4 आवर्स सारंगकोट तक। सो लेट्स गो। तो आप देख सकते चढ़ाई ऊपर ऊपर चलते जाना है, मेरे फ्रेंड्स लोग आगे निकल गए, मैं अब धीरे धीरे जा रहा हूँ, लास्ट के लिए एनर्जी सेव कर रहा हूँ मैं अपनी, उनको भागने दो अभी, वो गाइड से बक रहे कि डिस्टेंस कम करवा दो, लेकिन 3 घंटे तो चलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तुमको लेकर चले तारों की जगह पे, यहाँ चल के दिखावे तारों की जगह कहाँ लेके जाता है। पानी पी लो गाइस, अभी बहुत ठंडा है। बस मेरे गेस्ट 5 आदमी इंडियन गेस्ट है, उसके पास नहीं ऊपर सारंगकोट जा रहा है। हाँ। ये 1000 मीटर का मीटर का प्लेस है ये शेती बगर। अच्छा। हम ऊपर 500 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वो है सारंगकोट है। अच्छा, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। लगता है ये भी आपके पीछे पीछे आ गई ब्लॉग में दौड़ दौड़ के आ रही थी। चलते हैं अब ऊपर, जाने दे। हाँ जी, आना जाने दे। अरे जाने दो मौसी जी ये भी लगता है ब्लॉग में आने के लिए उत्सुक है, इसलिए भाग भाग के आ गई। जाओ भाई जाओ, जाने दो, चलते चलो, चलते चलो, चले चलो, चले चलो, चाहे कुछ हो जाए, चले चलो। खाते तो नहीं है पर ठीक है। अब रास्ता खराब होने लगा है, अब लगता है मुझे असली ट्रैक अब स्टार्ट हुआ है। पत्थर 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 सेम ही है, पथरीला पथरीला सफ़र। तो जैसे कहते हैं, जिस सफ़र में कठिनाई नहीं वहाँ वजह नहीं, तो मज़े लेने तो चढ़ना ही पड़ेगा। चश्मा लगा ले तो यार, बहुत धूप है, कैरी तो करना अपने आप को, कैसे भी करूँ, चलते चल रहा हूँ। वैसे ट्रैकिंग के शूज़ नहीं थे हमारे पास, हमने सडन प्लान बनाया तो थोड़ी और डिफ़िकल्टी आ डेटा पर, कोई नहीं, नो एक्सक्यूजेस, नो पेन नो गेन, वी विल क्लाइंब। थोड़ा आगे बैठ गए तो एक समझ रहे कि ये मेरे से आगे चले गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, मैं एनर्जी सेव करने के लिए ऊपर ना बैठ के यहाँ बैठ गया, नहीं तो फिर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं ये लोग हमेशा मेरे पीछे ही रहेंगे, चाहे जिंदगी हो चाहे ट्रैक हो, इसलिए। तो ये कटूस है, हमारे गाइड ने बताया ये खा सकते हैं, देखते हैं भाई क्या खाते हैं। जय भोलेनाथ की। अरे ये तो चना जैसा टेस्ट है यार, जो बादाम चना नहीं खाते हैं, चना जैसा टेस्ट है। कैसा लगा आपको? ठीक है, चना का याद आ गया मेरे को तो खा के। अब थोड़ा मज़ा आने लग गया है, पानी वगैरह झरने वाले वगैरह सब आ रहे हैं। ये देखिए झरना, मज़ा, यही तो करने आते हैं, मेहनत, मेहनत का फल
कभी वेस्ट नहीं जाता। तो चलते 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 मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अराउंड 30-35 मिनट्स हो चुके चलते चलते। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है धूप की, धूप से हमारा हाइड्रेशन पूरा शरीर का सारा पानी निचोड़ लिया है। मेरी शर्ट तो पूरी पसीना पसीना हो चुकी है। तो मेन हमने टाइमिंग शायद थोड़ा लेट कर सकते थे, पर ड्यू टू शॉर्टेज हमने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया क्योंकि हमें सनसेट भी देखना है। तो इसीलिए हमें थोड़ा डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, पर कोई नहीं, धीरे धीरे जैसे हल्की हुई है थोड़ी धूप तो थोड़ा मोटिवेशन आते जा रहा है। तो ये अब सीढ़ी का सफर शुरू होता हुआ, शॉर्टकट है क्या पता, शॉर्टकट है कि क्या है, शॉर्टकट ले कि लॉन्ग कट, खड़ा चढ़ाई, जय माता की। चलो अब ये जर्नी तो भाई क्या क्या दिखाएगी, आगे प्लेन रोड्स, फिर पथरीले, फिर झरने, और अब खड़ी चढ़ाई। खड़ी चढ़ाई मेरे को लगता सबसे डिफिकल्ट होगी। चलते, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस। तो हॉल्ट के बाद दोबारा रेडी हम, ब्रेक के बाद लगत, चलने के बाद ऐसा फील नहीं होता कि हमने ब्रेक लिया है। ब्रेक तो क्या ही है, ब्रेक तो बोन्स हो रही हैं। और ओमकेश आपका कुछ एक्सपर्ट कमेंट? 2 घंटे की और चढ़ाई बाकी अभी। 2 घंटे जी? अरे अरे बहुत स्टीप क्लाइंब है पार्टनर। भाई लेकिन यहाँ यार बहुत डिफरेंट देखने मिला, पहले प्लेन हाँ। फिर ये, फिर सीढ़ियाँ, आगे भी लैंडस्केप चेंज होंगे, लैंडस्केप चेंज होता जा रहा है यार, ये सबसे अलग चीज है। तुमने हम ऊपर चढ़ रहे हैं, वैसे में थोड़ी थोड़ी ठंड होती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हालत पूरी खत्म हो चुकी है। अभी ये कोई ब्रेक टाइम नहीं था लेकिन हमने जबरदस्ती ब्रेक लिया है। ये तो हाइट्स हो गई है भाई, ट्रैकिंग करें अपने रिस्क पे करें। इतनी धूप में तो कभी ना निकले, मैं कहूंगा 12-1 बजे को अवॉइड करने की कोशिश करें, या तो अर्ली मॉर्निंग निकले या तो इवनिंग में निकले, नहीं तो दोपहर में। तो ये अक्टूबर के टाइम तो इतनी गर्मी होती है यहाँ पर नेपाल में, तो मत निकलिएगा प्लीज। ये हम्बल रिक्वेस्ट है या हम्बल पेन है ये आपको डिसाइड करना है, पर ट्रैकिंग का टाइम सही रखिए। हमारा तो बैंड बज ही चुका है लेकिन आप अपना बैंड मत बचवाइए। ये देखिए, ये देखिए पसीना, खून पसीना है लेकिन मेहनत है, पर हमने तो कर लिया तो हम तो फिनिश करेंगे ही। थोड़ा हॉल्ट ब्रेक 2-3 एक्स्ट्रा हो रहे हैं लेकिन पर हमारा गाइड बहुत कोऑपरेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 2 साल जो वर्क फ्रॉम होम के मज़े लिए उसकी सज़ा तो मिलनी थी, तो भगवान ने बोला ट्रैक कर लो, हम आ गए अपने पटवाने। और तो थोड़ा सा हम रास्ते से भटक गए थे 5-10 मिनट के लिए, गाइड को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, रोड ब्लॉक था पता नहीं फॉर सम रीज़न। तो फिर 10 मिनट की बैक जर्नी और फिर चढ़ना चालू किया। देख सकते सर चढ़ते चढ़ते हम कितने ऊपर आ गए। तो अब हो वैसे तो 15-20 मिनट बचा था, पर बैक की वजह से लगता और कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो सनसेट तक पहुंचना ही है कैसे भी, देखते पहुंच पाते कि नहीं। देख सकते हो मेरी शर्ट की हालत क्या हो चुकी है, ये देखिए ये देखिए, बना था हीरो बन के और अब क्या ही बोलूं, वर्ड बोलना पता नहीं, पर चल रहे हैं, पहुंच तो जाएंगे यार, यही तसल्ली है। पर 2 इयर्स का जो वर्क फ्रॉम होम था उसने, उसका जो नतीजा आज पता चल रहा है, जो हम वॉक करना भूल चुके थे। तो चलो कभी ना कभी तो कुछ करके अपनी पता चलना था,
तो अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये सडन ट्रैक सडन था, प्लान नहीं था, फिर भी हमने किया। पर थकान हो रही है, पर चलने में मज़ा आ रहा है, जब झील आ रहा है, पानी आ रहा है, ये थकावट तो होती रहेगी, लेकिन साथ साथ में हम इंजॉय भी कर रहे हैं। पर आप लोग ऐसा मत समझिए, ट्रैक कर रहे हैं तो बहुत थक रहे हैं, थक तो रहे हैं लेकिन बीच बीच में बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्त साथ में तो मजाक मस्ती भी चल रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी चल रही है कि तू तो भाई चल नहीं पाता है, ऐसे वगैरह वगैरह, तो मज़ा भी पूरा है। अगर फ्रेंड्स के साथ है तो ट्रैकिंग तो करनी ही चाहिए। अब चाहे कितने भी क्लब्स वगैरह चले जाए, कितने भी पार्टी वगैरह कर ले, पर ये चीज़ का मज़ा ये इसी चीज़ में आएगा। ये आपको किसी क्लब में नहीं मिलेगा, या एक डेढ़ घंटे की, सॉरी दो ढाई घंटे की ट्रैक के बाद। ओमकेश, ये प्लेन्स देखकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बट स्टिल हमें भी काफ़ी दूर जाना है। अभी भी दूर है? हाँ, बट ये रास्ता अच्छा है तो थोड़ा राहत का बात है। हाँ, तो वही बात है, हर कठिन रात के बाद सवेरा तो होना ही था। हम लोग सारंगकोट विलेज पहुँच चुके हैं। पहुँच चुके हैं ना विलेज? एक एक बसाहट है यहाँ पे। हाँ, तो ऊपर घर वगैरह है। ये देखिए, ये पाली ऊपर। थोड़े देर प्लेन्स में चलने के बाद फिर हाइकिंग चालू, फिर चालू। भाई खत्म हो जाए यार, इतना लंबा तो ब्लॉग भी नहीं बना सकता, पर क्या करें। मनीष पहुंचा दे भाई, दो चार से ज्यादा ही ले ले। सो गाइस, आफ्टर 4 hours ऑफ ट्रैक एंड एक्सटेंडेड हाफ आवर, वी हैव रीच द लोकेशन। तो हमने छेती से जर्नी स्टार्ट की थी और अब हम पहुंच चुके हैं सरंगकोट। और आप जैसे बैक में देख सकते हैं, ये सनसेट है। हम 5 मिनट लेट हो गए, लेकिन फिर भी दिख गया सनसेट, क्योंकि हमने टाइम पे कवर कर लिया। तो यहीं पर हमारी ट्रैकिंग जर्नी होती है एंड। तो यही इसका कंक्लूजन है कि थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, पर उसके बावजूद हम बहुत अच्छा व्यू देख पा रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। सो पीस आउट फॉर नाउ।